हेलो जी, मकराना से बोल रहे हैं जी। आपका एक पोस्ट गर्दिश कर रहा है व्हाट्सएप पर, तो उसमें आपने कोई पोस्ट बनाया है फातिया के ऊपर। हाँ जी। हाँ, तो वही गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर, मेरे तक भी पहुंचा था, तो मैंने चलो जो आपसे बात करके थोड़ी इसलाह फरमा लूँ उसमें। जी जी, तो उसमें चंद चीजें आपने तस्करा की वो बात समझ में नहीं आई। हाँ जी। कुछ चीजें आपने ऐसी जिक्र की है कि जो समझ में नहीं आई, इसकी दलील समझ में नहीं आई। कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं व्हाट्सएप न्यूज चैनल पास की दुनिया में तहलका से एंकर नदीम खान बोल रहा हूँ। हेलो। मैं व्हाट्सएप न्यूज चैनल पास की दुनिया में तहलका से एंकर नदीम खान बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप मतलब समझा नहीं। व्हाट्सएप न्यूज चैनल है हमारा सोशल मीडिया पर, और इस पर हम अहले इल्म हजरात से गुफ्तगू करके अवामुन नास की इस्लाह करते हैं, और ऐसे ही मसले मसाइल इख्तलाफी होते हैं, क्योंकि उल्मा की बात अवाम सुनती है और मानती है, तो उनके इश्कालात, सवालात, शुबहात को दूर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। क्योंकि तहरीर आप ही की है, तो आप ही से बात करना बेहतर होगा, और किसी से बात करना तो मुनासिब किसी कीमत पे नहीं हो सकता। वो पोस्ट भेजिए आपने बारे में बात। फातिया 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 देने को आपने कहा कि बहुत सारी पोस्ट फातिया के नाम से, ऐसा शबाब के नाम से बहुत सारी पोस्ट है। हाँ। ये कौन सी पोस्ट के बारे में बात करना चाहते हैं आप? जी जी, मैं बता रहा हूँ, मेरे कुछ 10 पोस्ट हैं। अब कौन सी पोस्ट जी बात करना चाहते हैं? कौन सी पोस्ट है मैं बता रहा हूँ, वो पोस्ट मेरे को पोस्ट करो इस नंबर पे। मैं पढ़ के बता रहा हूँ ना आपको। है? क्या फातिया करना जायज है और इसका खाना? फातिया का मतलब क्या है पहले आप जानते हो क्या? हाँ बताइए ना, बताइए। फातिया का मतलब इशारे सुबा दुआ। अच्छा अच्छा, ये कौन सा लघुवी माना है, इस्तेलाही माना है? ये जो आपने बताया फातिया का माना, ये लघुवी है या इस्तेलाही है? इस्तेलाही माना है, ये इस्तेलाही है। तो लघुवी माना क्या है? आप मतलब पूछना क्या था? नहीं नहीं, मुझे इस पोस्ट के बारे में बहुत सारे इश्कालात हैं, तो वो जानना चाह रहा हूँ मैं। पहले पोस्ट मैंने आपसे कहा ना कि मालूम करूँ कौन सी पोस्ट है। हाँ तो बताया ना मैंने आपको। अब इसमें जो आपने बताया है कि इस्तेलाही माना है, इसाले सवाब कहते हैं है ना? जी जी जी। इसमें आपने कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है कि भाई कुरान पढ़ना साबित है, दुआ करना साबित है ना? तो इन तीनों चीजों को जमा कर दें तो क्या हर्ज है, ये कहा ना? आपने कहा कि कुरान पढ़ना कुरान से साबित है, तिलावत करना साबित है, मगफिरत की दुआ मांगना साबित है, ये कहा ना आपने? तो क्या इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के अगर फातिहा बना दे तो ये कहाँ से कुफ्र और शिर्क बिदअत हो जाएगा? ये लिखा ना आपने? आप बोलिए, आप आगे बोलिए क्या। तो यही पूछना चाह रहा था कि ये शरीयत साजी करना जायज है क्या? जी, शरीयत साजी करना जायज है क्या? अच्छा, तो क्या अगर किसी मतलब कोई मसला निकालना है तो कैसे निकालते हैं आप, ये बताइए जरा। कुरान और हदीस, देखिए कुरान हदीस का कोई मसला कैसे निकालते हैं? हम मनहज सलफ से लेते हैं, मनहज सलफ से समझते हैं, 20 वाली मतलब किस तरीके से निकालते हैं। जैसे अभी मैं आपसे पूछ लूं कि मतलब जो भैंस है, भैंस और भैंसे का जिक्र ना तो कुरान में है ना हदीस में, अब इसको हलाल कैसे करते हैं आप? भैंस को? हाँ भैंस को, भैंस बड़ा बड़ा जिसको बड़ा जानवर बोलते हैं ना। हाँ, इंडिया में नहीं है, हराम हलाल की बहस थोड़ी अपनी। अरे बाद में पूछ रहा हूँ, उसको जवाब करो ना यार, सारी बातें सवाल करना ही जानते हो क्या? नहीं नहीं, सवाल तो समझने के लिए कर रहा हूँ ना मैं आपसे। हाँ तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, समझाने के लिए ही तो। क्या आप खाली जिंदगी में सवाल ही करोगे लोगों से, खाली जवाब देना भी जानते हो? आप भैंस का जो जिक्र ना तो कुरान में है ना हदीस में, उसको आप किस तरीके से हलाल करोगे ये बताइए।
कुरान में तो है ना झामूस, कौन सी आयत में, झामूस कौन सी आयत में पढ़ी नहीं क्या कुरान झामूस? मेरे को आयत नंबर बताइए ना, कौन सी आयत में, कौन से सूरे में, कौन से पारे में, कौन से में है, क्या भेज लाल है? देखिए आप अंदाजे गुफ्तगु में थोड़ी शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। नहीं तो आप जिस तरीके से सवाल करना जानते हैं, मतलब सामने वाले को सुनना नहीं जानते, जिस तरीके से आपके जो क्यों आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो दलाल कमजोर हो गए? मैं तो मेरी तो पूछती नहीं है ना, मेरा क्या सवाल का जवाब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप ना भेष को हलाल किस तरीके से करेंगे कुरान और हदीस से मुझे बताइए। हलाल किया कि कब्र पर अल्लाह के नबी ने टहनी लगाई? नहीं वो बातें बाद में होगी, पहले ये बताइए कि भेष को आप हलाल कैसे करते हैं? अल्लाह के नबी ने लगाई है तो हम उसकी जगह फूल डाल दे तो क्या हर्ज है? तो मैं कोई आपकी समझ से ये करे कि जाके उस पर खेती करना शुरू कर दे कि टहनी तो लगाई थी, अब मैं इस पे अंगूर की बेली लगा देता हूँ, झाड़ भी जाएगा साया और उससे फल आएंगे तो घर वाले भी खा लेंगे। तो ये मजाक नहीं तो हो जाएगा ये सिद्धलाल? ये मजाक आप जैसे लोगों ने कर रखा है, दीन को बदनाम कर रखा है, दीन को मतलब हमारा थोड़ी आपने सिद्धलाल किया ना, हमने कहा कि आप मेरे को ये बताइए भैंस का जिक्र कुरान में है ना देश में, आप कैसे उसे हलाल करते हैं मुझे ये बताइए। इन तनाजातों की शैन परद्दू इल्लल्लाह, जिस चीज में इख्तिलाफ हो उस पर बहस करना, ये दुनिया भर की बातें करने से कोई मतलब नहीं है, पहले सवाल का जवाब दो। इख्तिलाफ है ना मेरे में, इख्तिलाफ है उस मसले को छेड़ क्यों रहे आप कुरान की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? नहीं आप पहले उस मसले को हल करिए ना, उसका जवाब उसी में है बस। इख्तिलाफ हो से लौटा अल्लाह रसूल की तरफ, भैंस के हलाल होने में आप में मेरे में इख्तिलाफ है क्या? नहीं नहीं भैंस के मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसको हलाल कैसे, आप उसको हलाल किस तरीके से जान समझते हैं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। मेरे से मत पूछिए ना, हम उन मसले पे गुफ्तगु नहीं करते ना जो हमने मुत्तफिका फैसले हैं। क्यों आप तो खाली बस मतलब इस्लाम को बदनाम करना, इस्लाम को मतलब ये शिर्क बिदअत, ये शिर्क बिदअत, ये बिदअत किसको कहते हैं? तब होगी या आपके नजदीक भैंस हराम हो या मेरे नजदीक, तब हम बात करने के हकदार हैं, वरना फिर टाइम पर दो नेमत अल्लाह ताला ने ऐसी दी है जिसकी इंसान कदर नहीं करता, एक सेहत एक फारिग वक्त, आप टाइम को एकदम वेस्ट कर रहे हैं। आप है ना खाली अपनी बातें थोपना जानते हैं दोस्त, उसूली बात कर रहा हूँ और आप में यही ये प्रॉब्लम है, ये गैर उसूली पोस्टे डालते रहते हैं। बिल्कुल डालता हूँ ना मैं, डालता हूँ ना भाई, आपके पास इतना वक्त जाया करने के लिए है, आप उससे क्या मतलब है? इसका फैसला अल्लाह करेगा ना, आपसे तो फैसला नहीं होना ना। फरमाया कि एक मुसलमान की जबान अल्लाह ताला के जिक्र से तर रहना चाहिए। हाँ तो वो आप अल्लाह ताला का जिक्र करने के बजाय ऐसे गैर शरई बेदलील पोस्टे डाल रहे हैं। ये आपको लगता है कि ये गैर शरई है? मुझे ये सही के इस्तेदलाल से तो कब्रिस्तान खेत बन जाएगा हर आदमी। आपके समझ में आए, आपके समझ में जो आए आप करो ना, तो वो उससे आगे आपके तो खेती कर लेते कब्रिस्तान में, कोई अंगूर का पेड़ लगा देगा, कोई तरबूज लगा देगा, कोई काफी फल लगा देगा, कोई कुछ लगा देगा। बोले अल्लाह के नबी ने टहनी लगाई थी तो हमने डाल दिए बरेलवियों ने, तो हम वहाँ पर खेती शुरू कर देते हैं और खेत हरा भरा भी रहेगा, कब्रिस्तान खूबसूरत भी रहेगा। एक एक छोटी सी बात पूछूं आपसे? जी 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 पूछ। ये जो दुनिया में पूरी कायनात को बनाया हुआ है, ये किसने बनाया पूरी कायनात को? अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसके अंदर जितने भी जर्रे हैं वो किसके हुक्म के ताबे हैं? अल्लाह ताला के। वो अल्लाह जिक्र जो करते हैं वो किसका करते हैं? अल्लाह का। आपको छोड़ के वो मत है? आपको छोड़ के सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। मेरी बात बाद में करेंगे अपन, तुम मतलब ये जितनी भी चीजें हैं चाहे पहाड़ ले लो, चाहे आसमान ले लो, चाहे जर्रे को ले लो, वो किसका जिक्र करते हैं? यार ऑफिस को छोड़ के सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब वो बात मेरी बात की बात करेंगे, आप पहले ये बताइए सब अल्लाह का जिक्र करते हैं ना? जी जी। और जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ रहमत के फरिश्ते उतरते हैं कि नहीं उतरते? जी देखना पड़ेगा है? देखना पड़ेगा, मेरे इल्म में नहीं है बात। मतलब जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ पे रहमत के फरिश्ते उतरते हैं? तो मैं कोई रिवायत पेश कीजिए जहाँ अल्लाह ताला का जिक्र होता है रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। हमने तो यही पढ़ा है कि कुरान जहाँ पढ़ा जाता है अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ। आपकी आवाज पूरी दुनिया सुन रही है, आप पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं। क्या है
आपकी आवाज पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा देश सुन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है मेरी आवाज, अगर ये भी अल्लाह का फजल और करम है कि अगर ऐसी बात तो, है तो बहुत ही बढ़िया बात है। सही है कि जहाँ अल्लाह का जिक्र किया था रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, जिक्र नहीं किया था रहमत के फरिश्ते उतरते थे, रिवायत अल्लाह का जिक्र जहाँ होता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। जैसे ही मतलब जहाँ जहाँ पे भी अल्लाह का जिक्र होता है उस मजलिस में अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। अच्छा महफिल की बात कर रहे हैं आप, महफिल हो चाहे महफिल जमा होती है, आपने बात को बदल दिया ना। अल्लाह का जिक्र जहाँ जहाँ नहीं नहीं रहमत के फरिश्ते उतरते, आपने अपनी बात अपनी बात को बदल दिया। आपकी जो सोच है ना वो इस तरीके की गंदी है कि आप चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया सुन रहे हैं, वैसे ही दुनिया सुन रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, आप जो सुल्लाल कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अभी आपने कुछ बात कही, अभी दलील की बात आई तो आपने उसको पलट दिया। इस तरीके से आप सोचे वैसे ही सब दुनिया सोचे। जी जी, ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या पूछ रहे थे? नहीं कुछ नहीं पूछना है, आपके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। आप खाली बकवास करना जानते हैं, बहस करना जानते हैं, लोगों को उलझाना जानते हैं, सवालों के ऊपर सवाल करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता आप लोगों को।